क्वेश्चन 28, 29 और 30 वो रिलेटेड है, ये 29 है, ये 29 है, ये क्वेश्चन जो है 30 है। चलो पहले इसे करते हैं। रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ, रेट ऑफ फ्लो किसके बराबर होता है, एरिया ए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इंटू इसकी वेलोसिटी यहाँ पे वी ए। रेट ऑफ फ्लो जो है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, एरिया जो है 4 मिलीमीटर में दिया हुआ, इसको सेंटीमीटर बनाने हो तो 10^-2 इंटू वी ए। वी ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/4, ये ऊपर चला जाएगा 125 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी। वी ए की वेलोसिटी निकालनी है, सेम मेथड का यूज करके वी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करें, वी ए इंटू वी ए इज इक्वल टू ए बी वी बी, इसके बराबर होगा। इसका एरिया जो है 4 है, वेलोसिटी जो है 25, 4/100 कह लो, और इसका एरिया जो है 2/100 इंटू वी बी। वी बी निकालना है, इसको करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी जो है 50 हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। यदि आप इसको इस ऐसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते थे, वी बी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो अपॉन एरिया, तो भी सेम आएगा। सी प्रेशर बताना, पी माई ये सॉरी ये पी ए माइनस पी बी का डिफरेंस बताना कितना होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम लगानी है, हाइट तो सेम है, तो प्रेशर पी ए प्लस 1/2 रो वी ए का स्क्वायर इक्वल टू इस पॉइंट पे प्रेशर पी बी प्लस 1/2 रो वी बी का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। पी ए माइनस पी बी, इसको इधर ले आते हैं, पी ए माइनस पी बी वो किसके बराबर होगा, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाते हैं, 1/2 रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। 1/2 सी जी एस सिस्टम में वाटर की जो डेंसिटी है 1 होती है, वेलोसिटी जो है वी की 50 है, 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 2500 माइनस 625, 1/2 2500 माइनस 685 1875, ये किस में आ जाएगा, प्रेशर जो है डाइन सी जी एस सिस्टम में है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करना हो तो 937.5 डाइन को न्यूटन पास्कल में कन्वर्ट करना हो, डाइन की कितना हो जाएगी 10^-5 सेंटीमीटर के कन्वर्ट करना, 10^-4 ये कितना होगा 93.75, इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है 93.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, इसके बराबर होगा। तो इसका जो प्रेशर है ए बी का जो प्रेशर है इसके बराबर होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी ए माइनस पी बी वो किसके बराबर होगा, सोल्व करेंगे तो डाइन में तो 1875/2 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर और 94 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, इसके बराबर होगा। अब हम आते हैं बी पार्ट्स में। बी पार्ट्स में रेट ऑफ फ्लो सेम है, इक्वेशन ऑफ एरिया वेलोसिटी निकालने तो सेम फॉर्मूला लगेगा, तो वी ए की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं वो भी सेम आएगी, या इससे निकालें तो वी ए और वी बी के जो दोनों आंसर हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमने ट्यूब को वर्टिकल कर दिया बस, तो यहाँ पे बर्नौली थ्योरम लगानी है, वी ए प्रेशर एट ए प्लस 1/2 रो
वी ए का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, रो जी एच एच की वैल्यू 15/16। यहाँ पे लगाएंगे बी पे प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर, इसको हमने बेस माना था तो इसकी हाइट एच ली थी, तो एच रो जी एच एच की वैल्यू का जीरो। रो ए बी पी ए माइनस पी बी निकालना हमें, वो किसके बराबर होगा, हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा माइनस रो डेंसिटी वाटर की वन है, जी जो है 10 दिया हुआ, इसको सीजीएस सिस्टम में 1000 होगा, 980 की बजाय 1000 होगा, 15/16 इसके बराबर हो जाएगा। इसको कल इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू जो है 20 है, इसको सोल्व करेंगे तो पहले वाले पार्ट में आया था ये 1875/2 एग्जैक्टली सेम आया था, ठीक है। इसको इधर ले गए थे तो उनको डिफरेंस निकाला तो इसी के बराबर आया था, और इसको करें तो ये किसके बराबर होगा, 8×16 ये कितना आ जाएगा 125। और 15 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15×75 = 7, 15×12 = 180 और 7 = 87/2 प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। प्रेशर डिफरेंस जो है सेकंड केस में किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। हमने बस बर्नौली इक्वेशन लगाई है, सिंप्लीफाई किया है तो आंसर आ जाएगा। अब सी पार्ट्स में आते हैं, रेट ऑफ फ्लो सेम है, एरिया सेम है, तो ए और बी पार्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। रेट ऑफ फ्लो ए सेक्शन पे तो वेलोसिटी जो होगी 25 होगी, बी सेक्शन पे जो है 50 होगी। अब हमें यहाँ पे भी बर्नौली थ्योरम लगानी है, जैसे यहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो बी सेक्शन पे प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो बी बी का स्क्वायर प्लस हाइट रो जी एच एच जो है 15/16 है। ए पे लगाएं प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर प्लस रो जी 15/16, वो किसके बराबर होगा, पी ए माइनस पी बी के बराबर होगा। यार पिछले पार्ट्स में यही आया था सेम, ये वैल्यू जो है 1/2 है, रो जो है 1 है, ये 50 है, 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर प्लस रो जी एच, रो 1 है, जी जो है 1000 है, इंटू 15/16, ये वैल्यू 1875/2 आई थी, ये भी 1875 आई थी, प्रभाव माइनस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन है। तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी वो इसके बराबर होगा, इन दोनों को ऐड कर दो 1875 आ जाएगा। ये डाइन पर सेंटीमीटर होगा, न्यूटन में कन्वर्ट करना तो 187.5 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5 से आगे वाली संख्या जो है ओड है तो एक बढ़ जाएगा, तो 1.188 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ करना है, ये 5.55 दिया हुआ, आगे वाला अंक जो है ओड है तो आगे वाला अंक जो है बढ़ जाएगा 1.188 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर इस केस में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यदि ट्यूब को उल्टा कर देते हैं, ऊपर वाला एरिया जो है, ऊपर जो वेलोसिटी जो है ज़्यादा है, नीचे वेलोसिटी क्या है, कम है।